मणिपुर मुद्दे पर दोनों सदनों में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे के बाद सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो हंगामे के बीच ही सरकारी कामकाज निपटाए गए। हंगामे के बीच ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए आज व्हिप जारी किया है। भाजपा ने लोकसभा सांसदों को 7 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक सदन में ही उपस्थित रहने और सरकार के रुख और विधेयकों का समर्थन करने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। आज व्हिप 5 दिनों के लिए जारी किया गया है। गौरतलब है कि 8 अगस्त को लोकसभा में दोपहर से विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। सहारा समूह के निवेशकों का फंसा हुआ पैसा वापस मिलने लगा है। आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उन निवेशकों को बड़ा तोहफा दिया। शाह ने आज दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को दावा की गई राशि हस्तांतरित की। अमित शाह ने 112 लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त हस्तांतरित कर दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1 महीने के अंदर ही पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। इससे 112 लाभार्थियों को पैसा मिल रहा है। इस योजना के लिए अब तक 18 लाख लोग अपना पंजीकरण करा चुके हैं, जिसमें से 14 लाख को मान्यता दे दी गई है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।